मेरे प्यारे साथियों, सबको ओम शांति। सबका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, सबके जीवन में सुख शांति बनी रहे, सबके घर में आनंद की बहार हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कुसुम मिश्रा नाम से, तो उसमें रविंदर कुमार जी ने अपना बड़ा प्यारा सा छोटा सा आर्टिकल भेजा। मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ भी इसे शेयर कर दिया जाए। कहते उलझी शाम को पाने की जिद ना करो, उलझी शाम को पाने की जिद ना करो, जो ना हो अपना उसे अपनाने की जिद ना करो। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं, इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं, उनके साहिल पर घर बनाने की जिद ना करो। इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए, इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए, एक नजर देखा और उन्हीं के हो गए। आंखें खुली तो अंधेरा था, आंखें खुली तो अंधेरा था, देखा कि एक सपना था, आंखें बंद की और फिर उसी सपनों में हम सो गए। तो भाई जैसा इन्होंने रविंद्र जी ने लिखा कि उलझी शाम को पाने की जिद ना करो, तो हमें लगता है कि ये संसार है जिसमें ईश्वर ने हमें भेजा, तो हम परमात्मा की संतान है, हमें उस परम पिता शिव को पाना है। इस संसार को पाने की जिद क्यों करें, जो ना हो अपना उसे अपनाने की जिद ना करो। अर्थात एक सिवाय परमात्मा के, शिव बाबा के, और हमारा है ही कौन। तो जो ये संसार हमारा अपना है ही नहीं, तो इसको हम अपनाने की जिद क्यों करें। इस संसार के समंदर में तूफान बहुत आते हैं, इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं, उनके साहिल पर घर बनाने की जिद ना करो। ये जो संसार रूपी समुद्र है, न जाने कितने दुख कलेश आते हैं, हम क्यों उसमें फंसे, हम उस परम पिता परमात्मा शिव को ना पकड़े, जो हर असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। कहते इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए। अरे एक बार भगवान से प्यार करके तो देखो। कहते कामधेनु को छेड़ महातम, छेनी को न दुआवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुपावे। एक बार जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, वो संसार के प्रेम में फंसता ही नहीं, उसे कोई और रास आता ही नहीं। तो कहते इस कदर हम उनकी मोहब्बत में खो गए, इस कदर भगवान शिव की मोहब्बत में खो गए, उनके प्यार में खो गए, कि एक नजर देखा और उन्हीं के हो गए। एक बार प्रभु शिव की कृपा हम पर पड़ी और उसने हमको ब्रह्मा कुमारी बना दिया और हम ब्रह्मा कुमारी बन गए। कहते आंखें खुली तो अंधेरा था, देखा कि एक सपना था, आंखें बंद की तो हम फिर उन्हीं सपनों में सो गए। कभी कभी मन संसार में भटक जाता है, खुश हो जाता है, लेकिन फिर हमारी चेतना हमको जगाती है और कहती है कि प्यार करने लायक तो एक परमात्मा ही। मनुष्य मनुष्य को धोखा दे सकता है, लेकिन परमात्मा शिव, उसको हम किसी भी नाम पुकारे, अल्लाह वाहे गुरु जीजस, न जाने कितने नाम है। कहते बालू के कण गिनना तो फिर भी आसान है, लेकिन परमात्मा के नाम को गिनना पूर्णतया असंभव है। तो कहते हैं कि उन्होंने हमको देखा, उनकी याद में जो सुख मिला, फिर मन जो है उसी भगवान में लग गया, उसी शिव में लग गया, उसी परमात्मा में लग गया। कि हम प्रभु के थे उसी के हो गए, दाग दामन के रो रो धो लिए, हम प्रभु के थे उसी के हो गए। तो एक बार भगवान से प्यार करके देखो, दुनिया प्यार आप भूल जाएंगे। तो आपको रविंद्र कुमार जी का ये आर्टिकल कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।